हे hey माया तुम्हें पता है प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं हाँ मुझे पता है वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है राइट एग्जैक्टली प्लांट्स सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज उनका फूड होता है वैसे लीव्स का क्या रोल होता है इस प्रोसेस में लीव्स में क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है वैसे तुम्हें पता है कि प्लांट्स ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं हाँ और इसे ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं नेचर कितना अमेजिंग है ना हाय एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क प्रेपर आज की वीडियो में हम क्लास सेवन के चैप्टर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तैयार हो जाइए ये समझने के लिए कि प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाती है न्यूट्रिशन के अलग अलग मोड्स और भी बहुत कुछ चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन प्लांट्स के न्यूट्रिशन में घुसने से पहले समझते हैं कि न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं और उससे ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और रिपेयर के लिए यूज करते हैं जैसे हमें जीने के लिए खाना चाहिए वैसे हाई प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ग्रो करने और थ्राइव करने के लिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं डोमेन टाइप्स है ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं ज्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का यूज करके अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तब होता है जब ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए कुछ प्लांट्स जैसे कस्क्यूटा और पिचर प्लांट्स हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं हम इन स्पेशल प्लांट्स के बारे में आगे और जानेंगे फोटोसिंथेसिस द फूड मेकिंग प्रोसेस अब हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में समझेंगे ये मैजिकल प्रोसेस जो प्लांट्स को अपना खाना बनाने में मदद करता है फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं जो सनलाइट को कैप्चर करता है प्लांट हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को टाइनी ओपनिंग्स जिसे स्टमटा कहते हैं के थ्रू लेता है पानी रूट्स के थ्रू सॉइल से एब्सॉर्ब होता है लीव के अंदर क्लोरोफिल सनलाइट का उसे करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज एक तरह का शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करता है जबकि ऑक्सीजन हवा में रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस का केमिकल इक्वेजन है सिक्स सी ओ दो प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस सनलाइट रिजल्ट्स सी सिक्स एच वन टू ओ सिक्स प्लस प्लासिक्स हो दो इसका मतलब है सिक्स मोलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और सिक्स मोलिक्यूल्स पानी सनलाइट का यूज करके वन मोलिक्यूल ग्लूकोज और सिक्स मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं द रोल ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है ये लीव्स को उनका ग्रीन कलर देता है और लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है क्लोरोफिल मेनली ब्लू और रेड लाइट को अब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए हमें लीव्स ग्रीन दिखाई देते हैं क्लोरोफिल के बिना प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे और अपना खाना नहीं बना पाएंगे इसलिए ये प्लांट के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल है इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्रूशल है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो हमें और दूसरे एनिमल्स को सांस लेने के लिए चाहिए ये फूड चेन का बेस भी बनाता है प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं मतलब ये वो फूड बनते हैं जो हर्बिवॉर्स खाते हैं एफ आई आर कानिवॉर्स हर्बिवॉर्स को खाते हैं और ऐसे हाई चेन चलती रहती है अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ना कोई फूड होगा और ना ही ऑक्सीजन जिससे लाइफ ऑन अर्थ इम्पॉसिबल हो जाएगी हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स अब चलिए कुछ फैसिनेटिंग प्लांट्स के बारे में जानते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं और इनके पास यूनिक वेज होते हैं न्यूट्रिएंट्स पाने के एक कस्क्यूटा प्लांट कस्क्यूटा जिसे डॉडर भी कहते हैं एक पैरासिटिक प्लांट है ये होस्ट प्लांट के इर्दगिर्द लेपर जाता है और डायरेक्टली उससे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करता है कस्क्यूटा में क्लोरोफिल नहीं होता इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता इसके बजाय ये अपने होस्ट पर पूरी तरह डिपेंड करता है सर्वाइवल के लिए दो पिचर प्लांट एक और इंटरेस्टिंग प्लांट है पिचर प्लांट ये एक इंसेक्टिवरिस्ट प्लांट है मतलब ये इंसेक्ट्स को खाता है पिचर प्लांट के लीव्स मॉडिफाइड होते हैं जो एक डीप कैविटी बनते हैं जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इंसेक्ट्स इस प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कैविटी में गिर जाते हैं और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अब चलिए सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं सैप्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं कुछ प्लांट्स जैसे मशरूम्स सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एग्जिबिट करते हैं मशरूम्स डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं ये एंजाइम्स मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करते हैं जिसे मशरूम्स अब्जॉर्ब कर लेते हैं ये प्रोसेस ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने और इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में मदद करता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स सिम्बियोसिस एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है प्लांट न्यूट्रिशन का ये एक म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होता है टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच एक ग्रेट एग्जाम्पल है फंजाइ और सर्टन प्लांट्स के रूट्स के बीच का रिलेशनशिप फंजाइ प्लांट रूट्स के इर्द गिर्द एक नेटवर्क बनते हैं जिसे माइकोराइजा कहते हैं फनजाई प्लांट को सॉइल से वाटर और न्यूट्रीन्स अब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं जबकि प्लांट फंजाई को शुगर्स प्रोवाइड करता है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनते हैं ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दोनों ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और हेल्थ को एनहेंस करता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हमने पहले इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में चर्चा की थी लेकिन अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं ये प्लांट्स फैसिनेटिंग होते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप और डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिएंट इंटेक बढ़ाते हैं एक वीनूस फ्लाई ट्रैप वीनूस फ्लाई ट्रैप एक वेल नोन इंसेक्टिवोरस प्लांट है इसके मॉडिफाइड लीव्स होते हैं जो इंसेक्ट के लैंड करने स्नैप शट हो जाते हैं ट्रैप्ड इंसेक्ट को प्लांट के एंजाइम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं दो संड्यू प्लांट संड्यू प्लांट एक और एग्जाम्पल है इसके पास टिकी ग्लैंडुलर हेयर्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं फिर प्लांट डाइजेस्टिव एंजाइम से इंसेक्ट को ब्रेकडाउन करके उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है कंक्लूजन प्लांट्स इनक्रेडिबल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास न्यूट्रिशन पाने के लिए डाइवर्स वेज होते हैं सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से लेके पैरासिटिज्म सैप्रोट्रॉफिज्म और सिम्बियोसिस तक प्लांट्स ने अलग अलग एनवायरनमेंट्स में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए अडेप्ट किया है प्लांट न्यूट्रिशन को समझना सिर्फ नेचर के कॉम्प्लेक्सिटी को अप्रिशिएट करने में मदद नहीं करता बल्कि इकोसिस्टम में प्लांट्स के इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट करता है ये हमें फूड ऑक्सीजन और अनेक रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो लाइफ के लिए एसेंशियल है धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे हाई नॉलेजेबल वीडियोस बनाते रहेंगे तब तक के लिए स्टे क्यूरियस स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सेफ